मुंबई में ताऊते चक्रवाती तूफान में सुल्तानपुर के चांदा का एक युवक लापता। परिजनों ने पुष्टि की, बोट पर मछली पकड़ने का काम करता था युवक। चक्रवाती तूफान में दीपक के लापता होने की सूचना से पूरा घर सहमा हुआ है। रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। सुल्तानपुर के चांदा कस्बे में स्थित टायर की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। किसी तरह लोगों व अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुल्तानपुर रोड पर अंकित इंटरप्राइजेज के नाम से अपोलो टायर की एजेंसी थी जिसमें ये आग लगी और लगभग 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। अमेठी कस्बे में मनमानी से बाज नहीं आ रहे दुकानदार, जिन्हें प्रशासन द्वारा दुकान खोलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, फिर भी दुकानदार बेधड़क होकर प्रशासन को चुनौती देते हुए दुकानों को 11 बजे के बाद भी खोलकर ग्राहकों को सामानों की बिक्री करने में लगे हुए हैं। ककवा रोड पर और गांधी चौक से सगरा तिराहे की तरफ बढ़ते हुए गुड़ मंडी के पास कुछ दुकानदार दुकानें खोलकर लगातार सामान बेचते नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकान खुली है और दुकान के पास पहुंचते ही दुकानों के शटर बंद होने लगते हैं। अमेठी तिलोई के लाल ने विदेश में किया कमाल। भिलाई कला के प्रधान पति मोहम्मद अशरफ के बड़े भाई मोहम्मद असलम, जो दोहा कतर अरब में कमांडो पुलिस में तैनात हैं, दोहा कतर सरकार ने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया है। अरब के दोहा कतर में यह उत्तर प्रदेश के इकलौते कमांडो हैं। इसकी सूचना मिलने पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मोहम्मद असलम को फ़ोन के साथ व्हाट्सएप पर बधाई दी है। दोहा कतर के बादशाह शेख तमीम बिन अहमद अल्तानी के कमांडो ऑफिसर मोहम्मद मुसफर ने उन्हें सम्मानित किया है। सुल्तानपुर में कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की मदद से पास ही के अमन हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के गबड़िया स्थित खान मार्बल हाउस के पास की है घटना। सुल्तानपुर में बीते ईद के दिन प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुड़वार थाना के मीरपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में लाठी डंडों से मारपीट और पथराव के चलते इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। बताया जा रहा है कि इसी विवाद के दौरान एक अधेड़ को गोली मार दी गई थी, जिसका अभी भी लखनऊ में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की कार्यवाही और पड़ताल में जुट गई है। अमेठी जनपद में कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लगातार सफाई, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य जारी है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद भर में चला विशेष सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान। सुल्तानपुर में घर बैठकर बच्चे प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह पूजा अर्चना भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं। ये बच्चे रुद्रनगर सब्जी मंडी निवासी अग्रिम झा और आदित्य झा हैं, जो रोज पूजा अर्चना कर रही हैं। इस बार की पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने स्थानीय सांसद मेनका गांधी के स्वस्थ होने की कामना की है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।